दोस्तों क्या होगा जब घने कोहरे की वजह से एक ब्रिज पर कई सारी गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं, जिससे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और इसी दौरान इंसानों को मारने के लिए एक्सपेरिमेंट से बनाए गए डॉग्स भी आजाद होकर ब्रिज पर फंसे लोगों को मारने लगते हैं। ऐसे में ब्रिज पर फंसे लोग किस तरह अपनी जान बचाएंगे, क्या वो सभी लोग जिंदा बच पाएंगे या फिर सभी लोग मारे जाएंगे, चलिए जानते हैं इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें प्रोजेक्ट साइलेंस के बारे में बताया जाता है। इस प्रोजेक्ट के अंदर डॉग्स को ट्रेन करके एक्सपेरिमेंट से उनके एग्रेशन को बढ़ाया जा रहा था, ताकि इन डॉग्स को वर्ल्ड वॉर और आतंकवादी हमलों के खिलाफ यूज किया जा सके। साथ ही इन डॉग्स के अंदर एक बायोचिप भी इम्प्लांट कर दी जाती है, जिससे कि ये लोग इन डॉग्स को कंट्रोल कर सकें। अब इसके बाद हम बेक नाम के एक सिक्योरिटी सेक्रेटरी ऑफिसर को देखते हैं। वो अपने देश के कुछ बड़े नेताओं के साथ मिलकर कुछ प्रिजनर्स को रेस्क्यू करने का प्लान बना रहा था। यहाँ बेक मिनिस्टर से कहता है कि वो प्रिजनर्स पिछले 5 महीनों से उन टेररिस्ट के कब्जे में हैं और हमें अपने सोल्जर्स को भेजकर उन्हें रेस्क्यू करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक ऑफिसर को बेक की बात सही नहीं लगती। वो बेक से कहता है कि हमारे ऐसा करने से टेररिस्ट उन प्रिजनर्स को मार भी सकते हैं, इसीलिए हमें टेररिस्ट के साथ संपर्क होने तक वेट करना चाहिए। यही बेक का असिस्टेंट ऑफिसर जंगवोन अब यहाँ आता है और वो सभी लोगों से कहता है कि उन टेररिस्ट ने हमारे साथ पिछले 5 महीनों से कोई भी नेगोशिएशन नहीं की है और इसकी बस दो ही वजह हो सकती हैं। पहली तो ये कि वो टेररिस्ट अब ज्यादा पैसों की मांग करने वाले हैं और यही सोचकर वो नेगोशिएशन में देर कर रहे हैं, और दूसरी वजह ये हो सकती है कि उन्होंने सभी प्रिजनर्स को पहले ही मार दिया होगा, इसी वजह से अब वो हमारे साथ कोई नेगोशिएशन नहीं करना चाहते। यहाँ जंगवोन की बात प्रेसिडेंट और बाकी सभी लोगों को बिल्कुल सही लगती है और यहाँ जंगवोन सभी मिनिस्टर से काफी कॉन्फिडेंट के साथ बातें करता है और उनके सारे सवालों का जवाब देता है, जो देखकर बेक भी अपने असिस्टेंट की काफी तारीफ करता है और कहता है कि अगर तुम्हारे जैसे दो और ऑफिसर मेरे पास होते तो मैं कब का प्रेसिडेंट बन चुका होता। इसके बाद जंगवोन अपने घर आता है। यहाँ उसकी बेटी क्योंगमिन अपनी पैकिंग कर रही होती है और हमें पता चलता है कि जंगवोन अपनी बेटी क्योंगमिन को पढ़ने के लिए एब्रॉड भेज रहा है, मगर क्योंगमिन एब्रॉड नहीं जाना चाहती क्योंकि वो तो यहीं रहकर एक रैपर बनना चाहती है। लेकिन क्योंगमिन ये बात अपने डैड को नहीं बता पाती और इसी वजह से वो थोड़ी अपसेट भी होती है। इसके बाद जंगवोन क्योंगमिन को अपनी कार से ही एयरपोर्ट छोड़ने जाने लगता है। तभी रेडियो से इन्हें न्यूज मिलती है कि शहर में काफी घना कोहरा आने लगा है। यहाँ जंगवोन इस खबर पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपनी कार में पेट्रोल डलवाने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुकता है, जहाँ पर चोई नाम का एक लड़का जंगवोन की कार में पेट्रोल डालता है और उससे $64 मांगता है। यहाँ जंगवोन जोई को अपना कार्ड देता है, लेकिन जोई उस कार्ड से पैसे लेने से मना करता है और कहता है कि हमें कैश चाहिए। ये बात सुनकर जंगवोन को जोई पर शक होने लगता है। तभी जंगवोन जोई के पास काफी सारी चाबियां देखता है और उसे पता चल जाता है कि जोई एक टो ट्रक ड्राइवर है, इसीलिए अब जंगवोन उसे पैसे दिए बिना ही यहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मैं बाद में आकर तुम्हारे मालिक को पैसे दे दूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम एक गोल्फ प्लेयर योरा को देखते हैं। वो अपनी कोच मिरान के साथ एक टूर्नामेंट खेलने जा रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर योरा को ये बात पता चलती है कि उसका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है और ये सुनकर योरा काफी अपसेट हो जाती है। तभी मिरान योरा को बताती है कि तुम्हारा पासपोर्ट कल ही ठीक हो जाएगा और हम लोग कल पहली फ्लाइट से ही यहाँ से चले जाएंगे। ये दोनों बात कर ही रही थी कि तभी एक ओल्ड लेडी यहाँ पर आ जाती हैं और योरा को अपनी कजन समझने लगती हैं। अब तभी ओल्ड लेडी के हस्बैंड भी यहाँ पर आते हैं और ओल्ड लेडी को बस के अंदर चलने के लिए बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर इन ओल्ड लेडी को भूलने की बीमारी होती है और इसी वजह से अब ये बूढ़ी औरत अपने हस्बैंड को ही भूल जाती है और रोड पर भागने लगती है। यहाँ योरा उन्हें एक कार से ठुकने से बचाती है। इसके बाद वो अंकल अपनी वाइफ को अपने बारे में याद दिलाते हैं और यहाँ से ले जाते हैं। यही अब योरा भी मिरान के साथ एक ब्रिज को क्रॉस करके अपने घर जाने लगती है। तभी ने रास्ते में काफी ज्यादा कोहरा मिलता है और यहाँ पर विजिबिलिटी काफी कम होती है और इसी घने कोहरे के बारे में न्यूज पर सभी को अलर्ट किया जा रहा था। यही हम देखते हैं कि एक आदमी भी इस घने कोहरे में काफी तेजी से ड्राइव कर रहा होता है, क्योंकि वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था और वो इस तरह अपने फैंस को एंटरटेन कर रहा होता है। यही जंगवोन भी अपनी बेटी के साथ इसी ब्रिज को क्रॉस कर रहा होता है और तभी उसे कुछ मिलिट्री ट्रक दिखाई देते हैं, जिसके अंदर उन्हीं प्रोजेक्ट साइलेंस के डॉग्स को रखा गया था। और यहाँ पर एक डॉक्टर भी इस ट्रक के साथ साथ कार में चल रहा होता है। इस डॉक्टर का नाम यांग होता है। इस तरफ हम उसी आदमी को देखते हैं जो कि लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए काफी स्पीड से कार चला रहा था और तभी उसकी कार का एक्सीडेंट होने से बचता है और उसकी कार बीच रोड पर ही रुक जाती है। मगर यहाँ पर ज्यादा घना कोहरा होने की वजह से अब एक दूसरी गाड़ी आकर उसकी कार से टकरा जाती है और फिर देखते ही देखते एक के बाद एक गाड़ियां एक दूसरे से टकराने लगती हैं और यहां पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें सारी गाड़ियां क्रैश हो जाती हैं और पूरा रास्ता ही ब्लॉक हो जाता है। इस तरफ गैस स्टेशन पर उसी आदमी जोई का बॉस अब उसे जंगवोन से $64 ना लेने की वजह से काफी कुछ सुना रहा होता है। तभी जोई को रेडियो से ब्रिज पर हुए एक्सीडेंट की खबर मिलती है
और ये सुनकर जोई समझ जाता है कि जंगवन भी अब ब्रिज पर अटक गया होगा। इसीलिए अब जोई अपने टो ट्रक को लेकर ब्रिज पर जाने लगता है। इस तरफ डॉक्टर यांग की कार का भी एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी कार को देखते समय जंगवन की कार भी एक टायर से ठुक जाती है और रुक जाती है। साथ ही उस डॉग वाले ट्रक का भी एक्सीडेंट होता है और वो रुक जाता है। यहीं जंगवन इस सारी खबर को अपने साथी बेक को बताता है। तभी क्योंगमिन अपने डैड जंगवन से कहती है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ये बोलकर क्योंगमिन खुद कार से उतरने लगती है, लेकिन जंगवन उसे कार से उतरने से रोकता है और खुद डॉक्टर यांग की मदद करने जाने लगता है। यहीं डॉक्टर यांग घायल हालत में भी अपने सोल्जर से सबसे पहले डॉग्स को चेक करने के लिए बोलता है और ये सुनकर वो सारे सोल्जर्स डॉग की व्हीकल के पास आ जाते हैं, लेकिन इसके अंदर से सारे डॉग्स अब भाग चुके थे और उन्होंने एक सोल्जर को भी यहाँ मार दिया होता है। ये देखकर सारे सोल्जर्स तुरंत ही इस ब्रिज के सारे सिग्नल्स को ब्लॉक करवा देते हैं। यहीं जंगवन अब किसी को जब कॉल करने की कोशिश करता है तो ब्रिज पर सिग्नल्स ना आने की वजह से वो किसी को भी फोन नहीं कर पाता। फिर जंगवन डॉक्टर यांग को अपनी कार में बिठा लेता है, मगर तभी वो देखता है कि कार में उसकी बेटी क्योंगमिन नहीं है। इस तरफ क्योंगमिन को उन्हीं डॉग्स में से एक डॉग दिखाई देता है जो कि अपना सर जोर जोर से दीवार पर मार रहा था। क्योंगमिन उसे नॉर्मल डॉग समझती है और उसे ऐसा करने से मना करती है और कुछ खाने के लिए देने लगती है। तभी क्योंगमिन को उस डॉग के नेकबैंड पर E9 लिखा हुआ दिखाई देता है। यह अब तभी जंगवन भी अपनी बेटी के पास आ जाता है और उसे डॉग के पास जाने से रोक लेता है। ये सब देखकर ये E9 डॉग यहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक डॉग उसी गोल्फ प्लेयर की कोच मीरान के पास भी आता है और मीरान उसे देखकर डरने लगती है। इस तरफ अब सारे सोल्जर्स डॉक्टर यांग के पास आते हैं और उसे सारे डॉग्स के भाग जाने के बारे में बताते हैं और तुरंत ही कंट्रोल प्रोग्राम को अपलोड करने के लिए कहते हैं। इसके बाद डॉक्टर यांग अपने लैपटॉप को निकालकर कंट्रोल प्रोग्राम को अपलोड करने लगता है। यहाँ जंगवन ये सब देखता है और जंगवन इनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो और क्या कर रहे हो। इस पर अब सारे सोल्जर्स जंगवन से ही पूछने लगते हैं कि तुम कौन हो और हम तुम्हें सारी चीजें क्यों बताएं। तभी जंगवन इन सोल्जर्स से कहता है कि मैं ब्लू हाउस का सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ। यहाँ जंगवन इन सोल्जर्स से रेडियो लेने की कोशिश करता है, लेकिन ये सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं और बांध देते हैं। ये देखकर क्योंगमिन और जंगवन हैरान रह जाते हैं। यही अब वही आदमी जोई भी अपने टो ट्रक को लेकर ब्रिज पर आ जाता है। इस तरफ क्योंगमिन और जंगवन डॉक्टर यांग को लैपटॉप पर कुछ करता हुआ देखते हैं और जंगवन डॉक्टर यांग से पूछता है कि आखिर तुम सब ये क्या कर रहे हो और अगर तुमने मुझे अभी सब कुछ नहीं बताया तो तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर यांग जंगवन से कहता है कि जब तक तुम मेरे साथ रहोगे तब तक तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। इतना बोलकर डॉक्टर यांग अपना काम करने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि डॉक्टर यांग अपने लैपटॉप से सारे डॉग्स को कंट्रोल कर रहा था क्योंकि इन लोगों ने इन डॉग्स के अंदर बायोचिप इम्प्लांट की होती हैं। और यहाँ अब डॉक्टर यांग अपने एक सोल्जर को उन डॉग्स का टारगेट बनाता है और यहाँ ये लोग जैसे ही अपने प्रोजेक्ट साइलेंस को चालू करते हैं तो तभी वो सारे डॉग्स एक्टिव हो जाते हैं और अपने टारगेट की तरफ भागने लगते हैं। इसके बाद वो सारे डॉग्स उस सोल्जर पर हमला करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सोल्जर पहले से ही पूरी तरह से तैयार था और वो सोल्जर इन डॉग्स से बचता हुआ इन्हें उसी ट्रक में बंद करने लगता है। फिर यहाँ पर वो सोल्जर सारे डॉग्स को लेकर उसी ट्रक के अंदर आ जाता है, लेकिन तभी डॉक्टर यांग देखता है कि E9 अपनी जगह से मूव नहीं हो रही। ये देखकर डॉक्टर यांग समझ जाता है कि इन्होंने अब E9 के ऊपर कंट्रोल खो दिया है। इसी वजह से अब डॉक्टर यांग सारे डॉग्स को वापस शांत करा देता है और इस तरह उस सोल्जर की जान बच जाती है। फिर यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर इन डॉग्स को सही सलामत लेने आता है और यहीं अब जोई का डॉग भी उन डॉग्स के पास भागने लगता है और जोई भी अपने डॉग के पीछे जाता है। यहीं जंगवन डॉक्टर यांग से इन सभी सवालों के जवाब मांगता है, लेकिन डॉक्टर यांग बस इतना बोलता है कि ये प्रोजेक्ट साइलेंस है। यहाँ जंगवन और भी सवाल पूछता इससे पहले ही सोल्जर्स उसे रोक देते हैं। यहीं सोल्जर्स जोई को भी आगे जाने से रोक रहे थे और इस तरह जोई अपने डॉग के पास नहीं जा पाता। फिर डॉक्टर यांग अपने सोल्जर से जोई के डॉग को भी पकड़ने के लिए बोलता है, लेकिन तभी क्योंगमिन जोई के डॉग को पकड़ लेती है और जंगवन जोई के डॉग को बचा लेता है। यहाँ जोई जैसे ही जंगवन को देखता है तो वो उससे पैसे मांगने लगता है। यहीं डॉक्टर यांग भी E9 के ऊपर कंट्रोल खोने की वजह से काफी परेशान था, लेकिन वो पहले अपने बाकी डॉग्स को यहाँ से भेजने लगता है। इसके बाद हेलीकॉप्टर डॉग के कंटेनर को यहाँ से उठाता है और जाने लगता है, लेकिन तभी दूसरी तरफ एक सोल्जर को E9 के अंदर की बायोचिप जमीन पर पड़ी हुई मिलती है, जिससे वो समझ जाता है कि E9 ने अब खुद के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। यहीं E9 जो कि कंटेनर के ऊपर छुपी हुई थी वो किसी तरह से हेलीकॉप्टर में चढ़ जाती है और सोल्जर्स को मारने लगती है और इससे उन डॉग्स का कंटेनर नीचे गिर जाता है और यहाँ हेलीकॉप्टर भी ब्रिज के तारों से टकराने लगता है, लेकिन E9 सही समय पर ही नीचे कूद जाती है। यहीं वो हेलीकॉप्टर बुरी तरह से ब्रिज के तारों में अटक जाता है और ये देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं। यहीं सारे डॉग्स भी अब डॉक्टर यांग के कंट्रोल से बाहर आने लगते हैं और यहीं डॉक्टर यांग के लैपटॉप में भी एरर आ जाता है और इन डॉग्स का टारगेट ऑटोमेटिकली यहाँ पर मौजूद 116 लोगों पर सेट हो जाता है। इसके बाद डॉग्स कंट्रोल से बाहर जाने लगते हैं और वो लोग कंटेनर से बाहर निकलते हैं
और यहाँ पर मौजूद सभी लोगों पर हमला करने लगते हैं। यहाँ एक डॉग डॉक्टर यांग के पैर पर भी काटने लगता है। इस वजह से डॉक्टर यांग का लैपटॉप यहीं पर गिर जाता है, लेकिन यहाँ पर जंगवोन किसी तरह से डॉक्टर यांग को बचा लेता है। इसके बाद जंगवोन और क्योंगमिन और साथ ही जोई यहाँ से भागने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ उस गोल्फ प्लेयर यूरा को समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। तभी एक डॉग उसकी कोच मिरान पर भी हमला करता है, लेकिन यूरा अपने गोल्फ बैट से उसे मारकर मिरान को बचा लेती है। इस तरफ जंगवोन अपनी बेटी और डॉक्टर यांग को एक कार में बैठाता है और यहाँ से भागने लगता है। तभी क्योंगमिन जोई को खतरे में देखती है और अपने डैड से उसकी मदद करने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ जंगवोन मना कर देता है और आगे बढ़ने लगता है। मगर तभी क्योंगमिन कार को रोक देती है और ये देखकर जंगवोन अब कार की डिक्की को खोल देता है और जोई तुरंत ही उसमें बैठकर डॉग से बच जाता है। फिर जंगवोन कार को लेकर यहाँ से भागने लगता है। इस तरफ यूरा और मिरान भी एक बस में आ जाती है, जहाँ पर वही ओल्ड लेडी अपने हस्बैंड के साथ बैठी हुई थी। यही जंगवोन भी अपनी कार में बैठकर भाग ही रहा था कि तभी ब्रिज के तारों से हेलीकॉप्टर के टुकड़े नीचे ब्रिज पर गिरने लगते हैं, जिससे अब ब्रिज से वापस जाने के रास्ते पर आग लग जाती है। और यहीं जंगवोन की कार भी फुटपाथ से जाकर टकरा जाती है। यहां जंगवोन कार को दोबारा स्टार्ट करता है, लेकिन कार अब दोबारा स्टार्ट नहीं होती। तभी जंगवोन को डॉक्टर यांग का रेडियो मिलता है। ये देखकर जंगवोन किसी से बात करने की कोशिश करने लगता है और तभी एक डॉग भी इनके पास आकर इन पर हमला करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ बेग को भी अब ब्रिज पर हुए हादसे के बारे में पता चल जाता है, जो सुनकर बेग काफी हैरान होता है। इस तरफ जोई किसी तरह से डॉक्टर यांग को होश में लाता है और अब डॉक्टर यांग जंगवोन को बताता है कि इन डॉग्स को मैंने ही ट्रेन किया था और ये डॉग्स बिल्कुल नॉर्मल थे और ये इंसानों की वॉइस पर रिएक्ट करते थे, लेकिन फिर मिलिट्री ने मुझसे कहकर इन डॉग्स को रीप्रोग्राम करवाया ताकि ये डॉग्स और भी ज्यादा खूंखार बन जाएं और मिलिट्री इन सभी को अपने एक वेपन की तरह इस्तेमाल कर सके और ये डॉग्स अब दुश्मन के साउंड को सुनकर उन्हें खत्म कर सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट साइलेंस में बाहर के कुछ देश भी शामिल हैं। ये सब जानकर जंगवोन क्योंगमिन और जोई हैरान रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेग को भी पता चलता है कि प्रोजेक्ट साइलेंस के डॉग्स की डिलीवरी होते समय ही वो ब्रिज पर आजाद हो गए हैं। और इधर जंगवोन को भी सारी बातें सुनने के बाद काफी गुस्सा आता है और तभी जंगवोन अपने साथी बेग से बात करने की कोशिश करने लगता है और इस बार उसकी बेग से बात हो जाती है। यहाँ अब बेग जंगवोन को बताता है कि तुम्हारे सामने जो ट्रक है उसके अंदर काफी सारी खतरनाक गैस है और वो धीरे धीरे लीक हो रही है, जो कि अब सबकी जान ले सकती है, इसीलिए तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। यहाँ जंगवोन बेग से पूछता है कि क्या तुम्हें प्रोजेक्ट साइलेंस के बारे में पहले से पता था। इस पर अब बेग जंगवोन को बताता है कि मुझे भी इस प्रोजेक्ट के बारे में अभी अभी पता चला है। ये सुनकर जंगवोन बेग से कहता है कि इस प्रोजेक्ट में मिलिट्री और कुछ मिनिस्टर्स भी शामिल हैं और उनकी वजह से ही आज हम सभी लोग मुश्किल में हैं। लेकिन ये सुनकर बेक जंगवोन से कहता है कि प्रोजेक्ट साइलेंस को ब्लू हाउस ने ही अप्रूव किया था और ये बात जानने के बाद जंगवोन भी हैरान रह जाता है। तभी यहाँ पर वो खतरनाक गैस का ट्रक ब्लास्ट होता है और उसकी जहरीली गैस हवा में फैलने लगती है। ये देखकर अब जंगवोन जोई और अपनी बेटी क्योंगमिन को उस बस में चलने के लिए बोलता है, जिसमें यूरा और बाकी सभी बैठे हुए हैं। और यहाँ अब ये चारों किसी तरह से डॉग से बचते हुए बस के अंदर आ जाते हैं। यहाँ बस ड्राइवर बस को जल्दी जल्दी पीछे करता है और फिर यहाँ पर ब्रिज के कुछ तार भी टूटने लगते हैं, जिस वजह से अब ब्रिज भी टूटने लगता है और देखते ही देखते आधा ब्रिज कोलैप्स हो जाता है, लेकिन बस में मौजूद सभी लोग किस्मत से जिंदा बच जाते हैं। यहाँ अब जंगवोन सभी लोगों को हौसला देता है और कहता है कि मैं सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से हूँ और हम सभी को रेस्क्यू करने एक टीम जल्दी ही यहाँ पर आ जाएगी। ये सुनकर सभी लोग जंगवोन से पूछते हैं कि आखिर ये डॉग्स हम पर हमला क्यों कर रहे हैं। इस पर जंगवोन इन सभी लोगों को प्रोजेक्ट साइलेंस के बारे में नहीं बताता और इनसे झूठ बोलता है और कहता है कि ये मिलिट्री डॉग्स हैं जिन्हें की ट्रेन किया गया था, लेकिन अब इनके अंदर रेबीज वायरस फैल चुका है और रेबीज बीमारी की वजह से ही ये ऐसे एग्रेसिव हो गए हैं। यहाँ जंगवोन ये सब इसीलिए बोल रहा होता है ताकि ये लोग डॉक्टर यांग को इस सब का जिम्मेदार ठहरा कर उसे यहीं पर खत्म ना कर दें। खैर यहीं पर जोई भी समझ जाता है कि जंगवोन झूठ बोल रहा है और जोई अकेले में जंगवोन से बात करता है और उसे पूछता है कि आखिर तुम सभी से झूठ क्यों बोल रहे हो। इस पर जंगवोन जोई को सभी को सच बताने से मना करता है और कहता है कि अगर तुमने मेरे साथ कॉर्पोरेट किया और हमारी मदद की तो मैं तुम्हें अवार्ड भी दिलवाऊंगा और इनाम में तुम्हें $1,00,000 मिल सकते हैं। ये बात सुनकर जोई चुप हो जाता है। यहीं अब एक रेस्क्यू टीम ब्रिज पर आ जाती है। यहाँ जंगवोन उन सोल्जर्स से पूछता है कि उन डॉग्स का क्या हुआ। इस पर सोल्जर्स जंगवोन को बताते हैं कि हमें तो रास्ते में एक भी डॉग नहीं मिला, शायद वो डॉग्स आगे चले गए होंगे। ये सुनकर जंगवोन बेग से तुरंत ही बात करता है और उसे कहता है कि हमने तो पहले ही डिसाइड किया था कि तुम पहले उन डॉग्स को खत्म करवाओगे और तभी बाकी सर्वाइवर्स यहाँ से आगे बढ़ेंगे। लेकिन बेग जंगवोन से कहता है कि अब हम सभी लोगों को पहले बचाएंगे और फिर उसके बाद डॉग्स को खत्म कर देंगे। ये बात सुनने के बाद जंगवोन यहाँ सभी लोगों को आगे ले जाने लगता है। यही डॉक्टर यांग डर की वजह से आगे जाने से मना कर रहा था, लेकिन जंगवोन उसे जबरदस्ती बस से उतारता है और कहता है कि तुम मेरे विटनेस हो, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा। यहाँ अब ये सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन यहाँ डॉक्टर यांग काफी डरा हुआ होता है। वो कह रहा था कि वो डॉग्स भागे नहीं है बल्कि वो काफी समझदार है
और वो हमें अपने ट्रैप में फंसा रहे हैं। यहाँ डॉक्टर यांग डर की वजह से एक कार से टकरा जाता है, जिस वजह से कार का अलार्म बजने लगता है। यहाँ जोई अलार्म को बंद कर देता है और डॉक्टर यांग को ध्यान से चलने के लिए बोलता है, लेकिन यहाँ डॉक्टर यांग काफी डरा हुआ था। वो जोई से कहता है कि तुम मेरे पास मेरा लैपटॉप ले आओ, शायद उससे मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। लेकिन कोई भी डॉक्टर यांग की बातों पर ध्यान नहीं देता। फिर ये सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं और तभी इन्हें फिर से एक कार के अलार्म की आवाज़ सुनाई देती है और फिर एक एक करके बाकी कारों के भी अलार्म बजने लगते हैं और ये काम वो डॉग्स ही कर रहे थे और डॉग्स इन्हें अपने ट्रैप में फंसा कर इन सभी लोगों पर हमला करने लगते हैं। यहाँ वो डॉग्स सबसे पहले सोल्जर्स पर हमला करते हैं और ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं। तभी एक डॉग यूरा और मेरेन को भी काटने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी वही ओल्ड लेडी इन्हें बचाने आती हैं, लेकिन अब वो डॉग उन ओल्ड लेडी के ही काट लेता है। यह अब सभी लोगों को बुरी तरह से मरता हुआ देखकर जंगवोन काफी डर जाता है। तभी जंगवोन गौर करता है कि क्योंगमिन यहाँ पर नहीं है। जंगवोन अपनी बेटी को ढूंढने जाने ही वाला था कि तभी एक और डॉग जंगवोन पर भी हमला करने लगता है। फिर जंगवोन को अपनी बेटी क्योंगमिन भी दिखाई देती है और उसके ऊपर भी एक डॉग हमला कर रहा था। यह अब जंगवोन के ऊपर हमला करने वाला डॉग जोई को कार के नीचे छुपा हुआ देखता है और उसके ऊपर भी हमला करने लगता है। इससे जंगवोन को भागने का मौका मिल जाता है और जंगवोन तुरंत ही अपनी बेटी क्योंगमिन के पास आकर किसी तरह से उसे भी डॉग से बचा लेता है और ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेक अब अपनी रेस्क्यू टीम के फेल हो जाने की वजह से काफी परेशान होता है। इस तरफ जंगवोन क्योंगमिन को लेकर वापस बस में आ जाता है और ये लोग बस की डिग्गी में छुप जाते हैं। लेकिन तभी जंगवोन देखता है कि उसका रेडियो बाहर ही गिर चुका है। ये देखकर अब जंगवोन क्योंगमिन को बस में ही रुकने के लिए बोलकर वापस चला जाता है। जंगवोन बाहर आकर अपने रेडियो को और क्योंगमिन के बैग को उठाता है और फिर एक सोल्जर की फ्लेयर गन को लेकर आगे बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ क्योंगमिन बस की डिग्गी में बैठकर अपने डर को खत्म करने के लिए अपनी मॉम और अपने डैड की पुरानी वीडियोस को देखने लगती है, जिसमें उसकी मॉम उसे एक बुक दे रही थी। और यहां हमें पता चलता है कि जंगवोन ने इसी वजह से उस बैग को उठा लिया क्योंकि उस बैग में वो आखिरी बुक मौजूद है जो कि उसकी वाइफ और क्योंगमिन की मॉम ने लिखी थी। यहाँ क्योंगमिन ये वीडियो देख ही रही थी कि तभी उसे बस में डॉक्टर यांग भी दिखाई देता है जो कि अब तक यहाँ पर छुपा हुआ था। और अब डॉक्टर यांग बस की डिग्गी में मौजूद एक रास्ते से बस के ऊपर आ जाता है और उसके पीछे पीछे क्योंगमिन भी ऊपर आ जाती है। इस तरफ जंगवोन को अब एक जगह पर जो यूरा और बाकी कुछ सर्वाइवर्स मिलते हैं और यहाँ अब यूरा जंगवोन पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुमने तो कहा था कि रेस्क्यू टीम्स हमें बचा लेंगी और तुमने उन डॉग्स के बारे में हमसे झूठ क्यों बोला। यहाँ जंगवोन को पता चलता है कि जोई ने इन सभी को प्रोजेक्ट साइलेंस के बारे में बता दिया है। फिर जंगवोन इन लोगों से माफी मांगता है। अब तभी जंगवोन को इस जगह पर गिरा हुआ पेट्रोल दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर यांग क्योंगमिन को E9 के बारे में सब बताता है और कहता है कि वो E9 सबसे ज्यादा ब्रूचुअल है और बाकी सारे डॉग्स उसी के क्लोन है और हमने बाकी सारे डॉग्स को उसी की मदद से बनाया था और इस E9 डॉग ने अपनी आंखों के सामने अपने कई सारे डॉग्स को मरते हुए देखा है, इसीलिए अभी जो वो कर रही है वो कोई हंट नहीं बल्कि रिवेंज है और वो हमसे बदला ले रही है। इस तरफ जंगवोन भी अब बाकी सभी लोगों के साथ मिलकर कुछ लकड़ियों में आग लगाता है और फ्लेयर गन को फायर करके यहाँ पर उजाला कर देता है और धीरे धीरे बस की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं हेडक्वार्टर में बैठकर कैमरों की मदद से बेक सब कुछ देख रहा था और बेक अब दोबारा से जंगवोन से उसी रेडियो की मदद से बात करता है और कहता है कि तुम सभी लोगों को लेकर ब्रिज के टूटे हुए हिस्से के पास आ जाओ और वहाँ पर रेस्क्यू टीम्स तुम्हें बचा लेंगी। लेकिन यहाँ अब जंगवोन बेक से कहता है कि वो डॉग्स काफी खतरनाक हैं, इसीलिए तुम लोग पहले ही उन्हें स्नाइपर से शूट कर दो, तभी हम लोग ब्रिज तक पहुँच पाएंगे। मगर बेक ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि ब्रिज की उस जगह पर जरूर न्यूज वाले मौजूद होंगे और प्रेस के सामने हम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं तो प्रोजेक्ट साइलेंस का सच सभी के सामने आ जाएगा और इससे हमारी रेपुटेशन पर काफी फर्क पड़ेगा। यहाँ बेक जंगवोन से ये बात इसीलिए कह रहा होता है क्योंकि वो आने वाले इलेक्शंस में प्रेसिडेंट कैंडिडेट होता है और वो नहीं चाहता कि उसकी रेपुटेशन पर कोई असर पड़े। लेकिन यहाँ जंगवोन बेक को बताता है कि यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को प्रोजेक्ट साइलेंस के बारे में पहले ही सब कुछ पता चल चुका है और अब हम सभी लोग ब्रिज पर आ रहे हैं। इतना बोलकर जंगवोन उस रेडियो को बंद कर देता है और फिर ये सभी लोग बस की तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ अपने डैड को बाकी सभी लोगों के साथ वापस आता हुआ देखकर क्योंगमिन अपने डैड के पास जाने लगती है और बस का दरवाजा खोलने वाली होती है, लेकिन यहाँ डॉक्टर यांग उसे बस का दरवाजा खोलने से रोक देता है। वहीं जंगवोन सभी लोगों के साथ बस की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी डॉग्स इनके ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर ये लोग आग की मदद से डॉग से खुद को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। मगर तभी एक डॉग फिर से उन्हीं ओल्ड लेडी के काटने लगता है, जो देखकर अब जोई अपने मुंह से ड्रिंक आग पर डालता है जिसकी मदद से यहाँ पर आग बढ़ जाती है और ऐसा करके जोई सभी डॉग्स को पीछे हटाने लगता है। तभी जंगवोन देखता है कि डॉक्टर यांग ने उसकी बेटी को पकड़ रखा है और वो क्योंगमिन को दरवाजा नहीं खोलने दे रहा। ये देखकर जंगवोन अब एक फ्लेयर को जमीन पर ही चला देता है जिससे यहाँ पर काफी तेज रोशनी होती है और सारे डॉग्स दूर हट जाते हैं और डॉक्टर यांग भी पीछे हट जाता है और मौका मिलते ही क्योंग बस के दरवाजे को खोल देती है।
इसके बाद ये सभी लोग बस के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर अब जॉय डॉक्टर यांग को बस का डोर लॉक करने की वजह से मारने लगता है। यही क्योंगमिन इस सब से काफी डर जाती है और अपने डैड को गले लगाकर रोने लगती है। तभी यहाँ पर यूरा सबको बताती है कि बस के अंदर तो चाबी है ही नहीं, तो हम इसे कैसे चलाएंगे। यहाँ अब ये सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि ये लोग बिना चाबी के बस को स्टार्ट कैसे करेंगे। लेकिन तभी जंगवॉन को याद आता है कि जॉय के पास तो काफी सारी चाबियां मौजूद हैं और उनके अंदर एक मास्टर की भी है जिससे किसी भी गाड़ी को स्टार्ट किया जा सकता है। और यहाँ अब जॉय उसी मास्टर की से इस बस को स्टार्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ बेक को भी ये बात पता चलती है, अब ब्रिज के उस टूटे हुए हिस्से की तरफ आ रहे हैं। यहीं बेक का एक साथी बेक से पूछता है कि क्या तुम सच में सभी लोगों को रेस्क्यू करना चाहते हो। यहाँ ये आदमी बेक को एडवाइस देता है और कहता है कि अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो तुम उन सभी लोगों को रेस्क्यू मत करो और ब्रिज के साथ ही उन्हें मरने दो और इस तरह प्रोजेक्ट साइलेंस का सच किसी के सामने नहीं आएगा, या फिर तुम उन सभी को बचा लो मगर इसके बाद सबको पता चल जाएगा कि तुमने ही प्रोजेक्ट साइलेंस शुरू किया था। यहाँ हमें पता चलता है कि बेक ने ही प्रोजेक्ट साइलेंस को शुरू किया था और अब क्योंकि सारे सर्वाइवर्स को इस प्रोजेक्ट के बारे में पता चल चुका है, इसीलिए बेक उन्हें नहीं बचाना चाहता ताकि उसका सच किसी के सामने ना आए। इस तरफ अब जंगवॉन सभी लोगों के साथ उसी टूटे हुए ब्रिज के पास आने लगता है। लेकिन तभी इनके रास्ते में काफी सारे डॉग आ जाते हैं और साथ ही उन ओल्ड लेडी की तबीयत भी अब काफी खराब होने लगती है। यहाँ जंगवॉन बार बार बेक से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन अब बेक जंगवॉन को कोई भी रिप्लाई नहीं देता और ये देखकर जंगवॉन को काफी हैरानी होती है। यहीं अब ये ब्रिज भी धीरे धीरे कोलैप्स होने लगता है और ये देखकर जंगवॉन को काफी गुस्सा आता है और वो डॉक्टर यांग से बस से बाहर जाकर डॉग्स का ध्यान भटकाने के लिए बोलने लगता है क्योंकि आखिरकार डॉक्टर यांग की ही इस सब में गलती थी। लेकिन यहाँ उसकी बेटी क्योंगमिन उसे ऐसा करने से रोक देती है और कहती है कि हमें डॉग्स को फंसाने के लिए कोई अच्छा प्लान बनाना होगा। फिर इसके बाद ये सभी लोग एक प्लान बनाते हैं और ये सभी लोग बस की डिग्गी में जाकर छुप जाते हैं और बस के दरवाजे को खोलकर उसके अंदर एक साउंड बजाने लगते हैं जिससे सारे डॉग्स अब बस के अंदर आने लगते हैं। यहीं बस की डिग्गी में अब उन ओल्ड लेडी की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और यहीं उनकी डेथ हो जाती है। ये देखकर सभी लोग काफी दुखी होते हैं और उनके हस्बैंड को भी चुप रहने के लिए कहते हैं। फिर इसके बाद जब सारे डॉग्स इस बस के अंदर आ जाते हैं तो तभी जॉय एक रस्सी को खींचता है जिससे बस का डोर लॉक हो जाता है और ये सभी लोग इन डॉग्स को यहाँ कैद करके डिग्गी से बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन वो ओल्ड मैन अपनी वाइफ के पास से जाने से मना कर देते हैं। यहाँ जंगवॉन उन्हें बाहर ले जाने की कोशिश करता है लेकिन वो आदमी यहाँ से नहीं जाते और तभी एक डॉग भी डिग्गी के अंदर आने लगता है। ये देखकर जॉय तुरंत ही जंगवॉन को बाहर की तरफ खींचता है और वो ओल्ड मैन डिग्गी को अंदर से बंद कर लेते हैं और इस तरह उन ओल्ड मैन की भी डेथ हो जाती है। यहाँ जंगवॉन भावनाओं में बहकर डिग्गी को खोलने की कोशिश करने लगता है लेकिन जॉय उसे रोक देता है और कहता है कि तुम उस आदमी की वजह से सभी को खतरे में डाल दोगे, तुम अपनी बेटी के बारे में सोचो। ये सब सुनकर जंगवॉन रुक जाता है। यहाँ अब ये सभी लोग ब्रिज के पास आ जाते हैं लेकिन इन्हें बचाने के लिए यहाँ पर कोई भी रेस्क्यू टीम नहीं आई होती और ये देखकर सभी लोग रोने लगते हैं और समझ जाते हैं कि इन लोगों के साथ धोखा हुआ है। यहाँ डॉक्टर यांग जंगवॉन से पूछता है कि तुम्हारी किस ऑफिसर से बात हुई थी। इस पर जंगवॉन डॉक्टर यांग को बेक का पूरा नाम बताता है और ये जानकर डॉक्टर यांग जंगवॉन को बताता है कि इस प्रोजेक्ट साइलेंस को किसी और ने नहीं बल्कि बेक ने ही शुरू किया था और अब उसने खुद को बचाने के लिए हम लोगों को यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया है। ये बात जानकर जंगवॉन हैरान रह जाता है। वो फिर से बेक से बात करने की कोशिश करने लगता है और कहता है कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है। और यहाँ हम देखते हैं कि बेक उसकी सारी बातें सुन रहा था लेकिन बेक कोई भी जवाब नहीं देता। यहाँ अब जंगवॉन अपने दिल की सारी बातें बेक से बोल देता है और उसे बता देता है कि अब मुझे तुम्हारी असलियत पता चल चुकी है, इसीलिए अब मुझे चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अब मैं उसी जहरीली गैस वाले रास्ते से इस ब्रिज से बाहर निकलूंगा और शहर में आ जाऊंगा और तुम्हें सजा दूंगा। यहाँ अब जंगवॉन बेक को सजा देने के लिए और इस जगह से बाहर निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। तभी जंगवॉन को याद आता है कि जॉय भी तो अपने टो ट्रक के साथ यहाँ पर आया था। जंगवॉन जॉय से कहता है कि तुम्हारा टो ट्रक कहाँ पर है, हम लोग उसकी मदद से उस जहरीली गैस वाले रास्ते से यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन तभी जॉय जंगवॉन को बताता है कि मेरे ट्रक की सारी चाबियां तो उसी बस के अंदर ही रह गई हैं। ये सुनकर डॉक्टर यांग सबसे कहता है कि अगर मेरा लैपटॉप मिल जाए तो हम उसकी मदद से बस के अंदर मौजूद डॉग्स को कंट्रोल कर सकते हैं और बस के अंदर से चाबियां निकाल सकते हैं। ये सुनकर सभी लोग अब डॉक्टर यांग के लैपटॉप को यहाँ ढूंढने लगते हैं और काफी ढूंढने के बाद इन्हें वो लैपटॉप मिल जाता है। यहाँ डॉक्टर यांग उस लैपटॉप को ऑन करता है और डॉग्स को कंट्रोल करने लगता है। यहाँ ये सभी लोग एक प्लान बनाते हैं और इस बार जंगवॉन उन डॉग्स का टारगेट बनने के लिए तैयार हो जाता है ताकि ऐसा करके वो सारे डॉग्स को अपनी तरफ बुला सके। और यहीं जॉय उस बस के नीचे छुपा होता है ताकि सभी डॉग्स के जाने के बाद वो तुरंत ही बस से चाबियां निकाल सके। यहीं वो गोल्फ प्लेयर यूरा अपनी गोल्फ स्किल के साथ अपनी गोल्फ बॉल से बस का शीशा तोड़ने के लिए तैयार होती है ताकि डॉग्स बाहर आ जाएं। इसके बाद प्लान के हिसाब से ही जंगवॉन उसी ट्रक में जाने लगता है जिसमें वो डॉग्स कैद थे। यहाँ जंगवॉन क्योंगमिन से कहता है
कि मुझे वही बुक दे दो जो कि तुम्हारी मॉम ने लिखी थी। फिर उस बुक को लेने के बाद जंगवोन अपने आप को ट्रक में लॉक कर लेता है। इस तरफ यूरा अब एक ट्रक पर चढ़कर दूर से बस की तरफ निशाना लगाने लगती है और यहीं जॉय भी बस के नीचे लेट जाता है। यहाँ ये सभी लोग इस काम को करते हुए काफी डर रहे होते हैं। इसके बाद डॉक्टर यांग डॉग्स को कंट्रोल कर लेता है और जंगवोन को उनका टारगेट बना देता है और ऐसा करते ही सारे डॉग्स एग्रेसिव हो जाते हैं और जंगवोन की वॉइस पर रिएक्ट करने लगते हैं। फिर यहाँ पर यूरा गोल्फ बॉल को बस के शीशे पर बार बार मारती है जिससे अब बस का शीशा टूटने लगता है और फिर सभी डॉग्स बाहर आकर जंगवोन के ऊपर अटैक करने जाने लगते हैं। यहाँ मौका मिलते ही जोई तुरंत ही बस के अंदर से चाबियां निकालने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि बस के अंदर E9 अभी भी मौजूद है और अब E9 जोई के पीछे पड़ जाती है। यहाँ जोई E9 से बचकर भागता है और अपने टो ट्रक के पास आ जाता है, लेकिन तभी E9 डॉक्टर यांग को देखकर उस पर हमला करने लगती है, मगर तभी ये पूरा ब्रिज ही कोलैप्स होने लगता है और जंगवोन उस गाड़ी के साथ और बाकी सारे डॉग्स के साथ नीचे गिरने लगता है। ये देखकर E9 अपने साथियों को बचाने के लिए भागती है। यहाँ अब काफी सारे डॉग्स पानी में गिर जाते हैं और जंगवोन का ट्रक भी पानी में गिरने से बस थोड़ा ही बचा रहता है। यहाँ जंगवोन रेडियो की मदद से जोई से बात करता है और क्योंगमिन भी अपने डैड को खतरे में देखकर काफी डर जाती है। तभी जंगवोन क्योंगमिन से बात करता है और कहता है कि तुम लोग मेरी चिंता मत करो और यहाँ से चले जाओ। ये सब बोलकर अब जंगवोन अपनी वाइफ की बुक को देखने लगता है और यहाँ जंगवोन सोचता है कि अब बस उसका टाइम भी आ चुका है और वो मरने वाला है। यहाँ जंगवोन का ट्रक भी पानी में गिरने ही वाला था, लेकिन तभी क्योंगमिन उस ट्रक के पास आने लगती है। यहीं वो E9 डॉग भी अपने एक साथी को बचाने की कोशिश कर रही थी और जब E9 क्योंगमिन को अपने डैड के पास आता हुआ देखती है तो उसे भी समझ आ जाता है कि क्योंगमिन आखिर क्या करना चाहती है। इसी वजह से E9 क्योंगमिन पर हमला नहीं करती, लेकिन तभी ये ब्रिज दोबारा से हिलता है और E9 और उसका साथी दोनों ही पानी में गिर जाते हैं और साथ ही जंगवोन का ट्रक भी पानी में गिरने ही वाला था। लेकिन तभी क्योंगमिन ट्रक के पास आ जाती है और इस ट्रक को जोई के टो ट्रक से बांध देती है और जोई से टो ट्रक आगे बढ़ाने के लिए बोलती है। ये देखकर जोई तुरंत ही अपने टो ट्रक को तेजी से आगे बढ़ाने लगता है और देखते ही देखते जंगवोन का ट्रक भी ऊपर की तरफ खींच जाता है जिससे जंगवोन और क्योंगमिन की जान बच जाती है। फिर जोई अपने टो ट्रक से जंगवोन का ट्रक खींचते हुए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी ये ब्रिज भी धीरे धीरे पूरा कोलैप्स होने लगता है, मगर ये सभी लोग बिना रोके ही आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी इनके रास्ते में एक टूटा हुआ रोड आता है और उबड़ खाबड़ रास्ते की वजह से जंगवोन का ट्रक उसी जहरीली गैस के अंदर जोई के ट्रक से अलग हो जाता है और जोई उस जहरीली गैस को पार करके ब्रिज के दूसरी तरफ आ जाता है। लेकिन यहाँ ये सभी लोग देखते हैं कि जंगवोन अपने ट्रक और क्योंगमिन के साथ पीछे ही रह चुका है और इन्हें ऐसा लगने लगता है कि वो दोनों तो अब तक जहरीली गैस में मर गए होंगे। लेकिन तभी क्योंगमिन और जंगवोन दोनों का ट्रक खुद ही चलते हुए उस जहरीली गैस से बाहर आ जाता है और इस तरह क्योंगमिन और जंगवोन दोनों की भी जान बच जाती है। इसके बाद ये सभी लोग अपने शहर की तरफ आने लगते हैं जहाँ रास्ते में ही इन्हें बेक और प्रेस और काफी सारे लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं। यहाँ बेक सारे सर्वाइवर्स का वेलकम करता है और इन्हें बचाने का क्रेडिट खुद लेने लगता है। ये देखकर जंगवोन को बहुत गुस्सा आता है और वो बेक के मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है और कहता है कि लोगों को खतरे से बचाना तुम्हारी ड्यूटी थी, लेकिन तुमने ये नहीं किया। ये सब देखकर बेक जंगवोन से कहता है कि अपनी बेटी के बारे में सोचो। बेक जंगवोन को पैसों का लालच देने लगता है, लेकिन तभी जंगवोन बेक से कहता है कि अब मेरी बेटी ने मुझे बता दिया है कि वो अब रोड नहीं जाना चाहती, इसीलिए अब मुझे तुम्हारे पैसों की कोई भी जरूरत नहीं है। इतना बोलकर जंगवोन बेक के दिए पैसे उसे वापस कर देता है और यहाँ पर अब बेक पूरी प्रेस के सामने प्रोजेक्ट साइलेंस के बारे में सभी को बताता है और यहाँ पर डॉक्टर यांग भी प्रेस के सामने प्रोजेक्ट साइलेंस के एग्जिस्ट करने का सबूत सभी को दिखाता है और बताता है कि इस प्रोजेक्ट साइलेंस में बेक का ही हाथ था और इस सबसे बेक को काफी शर्मिंदा होना पड़ता है। यहीं यूरा भी अब क्योंगमिन से कहती है कि आखिरकार तुमने अपने डैड को बता ही दिया कि तुम अब रोड नहीं जाने वाली हो और तुम यहीं रुक कर अब एक रैपर बनोगी। और ये सुनकर क्योंगमिन भी कहती है कि हाँ, मैं अपने डैड को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी और हमेशा उनके पास ही रहूंगी। यहाँ क्योंगमिन और जंगवोन दोनों इस फैसले से काफी खुश होते हैं और इस तरह इनकी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम E9 को भी देखते हैं जिसने अपने एक साथी को बचा लिया होता है और वो उसे पानी से बाहर निकालती है और फिर उसी टूटे हुए ब्रिज को देखने लगती है और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, ये थी इस मूवी की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। खैर, ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।